अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है आलू मटर कीमे की। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार रेडी होती है। आइए हम देखते हैं हम इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इस रेसिपी को तैयार करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आलू मटर कीमा बनाने के लिए मैंने कीमा ले लिया है बीफ का आधा किलो। उसको मैंने अच्छी तरह से धो के बास्केट में रख दिया था और अच्छी तरह से उसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। मसालों में मैंने ले लिए हैं टमाटर 5-6 अदद छोटे साइज़ के और लाल लाल। प्याज मैंने ले ली हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ की। उनको मैंने कटिंग करके बीच में से दो दो टुकड़े कर लिए हैं। एक छोटी गुली लहसुन की मैंने ले ली है, उसको भी मैंने छील लिया है। और मीडियम साइज़ के मैंने अदरक का पीस ले लिया था, उसको भी मैंने छील के कटिंग कर लिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर मैं कटिंग की हुई प्याज टमाटर और लहसुन अदरक डाल दूंगी। और फिर हम इसके अंदर एक गिलास पानी ऐड करके स्टोव पे रख देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। हम इसको इतना बॉयल कर लेंगे ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। कवर करके रखेंगे, 15-20 मिनट्स के अंदर ये हमारी बॉयल हो जाएंगी चीज़ें। 10-15 मिनट्स के बाद हम कवर हटा के देखेंगे। टमाटर प्याज और लहसुन अदरक हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको ठंडा करके हम ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से जग में डाल के हम इसको पीस लेंगे। इस तरह से हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हमने एक पैन के नीचे फ्लेम ऑन कर दिए। इसके अंदर मैं एक प्याली या अंदाजे से ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया, अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी। फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे और कीमे को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। कीमा हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसका जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। कवर हटा के हम चेक करेंगे, कीमा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, 1 टेबल स्पून। और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि कीमे की जो स्मेल है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह से भून गया है कीमे के साथ। अब मैं इसके अंदर वो पेस्ट ऐड कर दूंगी जो मैंने प्याज टमाटर और लहसुन और अदरक का बनाया था। पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूंगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक डालूंगी 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पिसी हुई मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टी स्पून। पेपरिका पाउडर डालूंगी मैं इसके अंदर 1 टी स्पून। हल्दी डालूंगी 1/2 टी स्पून। और पिसा हुआ धनिया मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टी स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको भी हम कवर करके रख देंगे और कीमे का गलने का वेट करेंगे। और फिर हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके कीमे को हम कवर करके रख देंगे ताकि हमारा कीमा जो है वो गल जाए और फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो कर देंगे। कीमा हमारा हाफ कुक हो जाएगा तो मैं इसके अंदर मटर ऐड कर दूंगी और आलू ऐड कर दूंगी। मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू छोटे साइज़ में कटिंग कर लिए थे, उसको हम मिक्स कर देंगे। इसको हम मिक्स करके इसके अंदर हम एक प्याली पानी ऐड कर देंगे या इतना पानी ऐड कर देंगे कि हमारे आलू और मटर गल जाए और कीमा भी हमारा फुल कुक हो जाए।
20 to 30 मिनट्स के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी और फ्लेम को मैं मीडियम पे रखूँगी। कवर हटा के हम देखेंगे हमारा कीमा, आलू और मटर अच्छी तरह से गल गए थे सब चीज़ें। अब मैं फ्लेम को हाई करके इसकी भुनाई कर लूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा, हसबे ज़रूरत यानी कि थोड़ा बहुत काली मिर्चें थोड़ी सी या हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करते हुए मैं इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी और इसमें मैं हरा धनिया भी ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको। भुनाई इसकी अच्छी तरीके से हो गई है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके 5 मिनट को इसको दम पे रख दूंगी। पाँच मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ करके मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कीमा हमारा कितना अच्छा और मज़ेदार रेडी हुआ है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आलू मटर कीमा हमारा रेडी हो गया था। मैंने इसे डिश आउट कर दिया था। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी इतना ही मज़ेदार होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। मैं एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।